श्रीमंत योगी। बड़े सवेरे शिवाजी राजे स्नानादि से निवृत्त होकर बाहर आए। आंगन में भालाधारी सैनिक खड़े थे। राजे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हुए घोड़े पर सवार हो गए। उनके पीछे सब सवार भी घोड़ों पर बैठ गए। इन सवारों में भीमा भी एक था। शिवाजी राजे ने मन में भगवान का स्मरण किया और घोड़े को एड़ लगाई। ऊपर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पूर्व दिशा में अभी प्रकाश की सफेद किनारी भी दिखाई नहीं दे रही थी। रात और सुबह की धुंधलाई के बीच राजे रोहिणेश्वर की तलभूमि जा पहुंचे। वहां सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजे ने घोड़े से उतरते ही पूछा, तानाजी कितने लोग जमा हुए? 1050। ठीक है, जिनके पास हथियार ना हो उन्हें हथियार दो। शस्त्र बांटे गए। पूर्व दिशा में ललाई फूट चुकी थी। सारे वन में पक्षियों की चहचहाहट बढ़ चली थी। राजे ने येसाजी से पूछा, येसाजी जी, घास के कितने गट्ठे तैयार हैं? 50 गट्ठे हैं। काफी होंगे क्या? भरपूर होंगे। जितने हथियार बंद थे वे गढ़ के चारों ओर फैला दिए हैं। इशारा मिलते ही ऊपर गढ़ में आ जाएंगे। और तू? मैं और तानाजी आपके साथ रहेंगे। इशारा मिलते ही जंगल की घाटी में से ऊपर गढ़ में पहुंच जाएंगे। मैं जगह जगह पर आदमी तैनात कराया हूँ। और गढ़ के बारे में क्या खबर है? गढ़ शांत है, पूरा सावधान है। कल से अपना सुभाना गढ़ में रह रहा है। वहाँ उसकी मामी रहती है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। राजे ने दादाजी से कहा, दादाजी आप यही नीचे रहो, गढ़ पर कब्जा होते ही ऊपर आ जाना। नहीं, ये कभी नहीं होगा। रोहिणेश्वर में ऐसी शपथ खाई थी क्या कि आप ऊपर गढ़ में और मैं नीचे तलहटी में? सुबह किले का दरवाजा खुलने की सूचना बजते हुए नगाड़े ने सब तक पहुंचा दी। राजे शांत खड़े थे। एक गड्ढे वाला उठा। राजे को सिजदा करके सिर पर घास का गट्ठा उठाकर वो चल पड़ा। थोड़ी देर बाद और दो गड्ढे वाले निकल पड़े। भीमा अधीर हो रहा था, पूछ बैठा, राजे मैं जाऊं? जा, संभल कर जाना। इशारा होने से पहले कुछ नहीं करना, समझा? इसकी फिक्र मत करो जी। इसी तरह कुछ और गट्ठे रवाना हुए और भीमा ने अपना गट्ठा उठाया। राजे ने पूछा, तलवार ले ली है ना? भीमा ने हंसकर गट्ठे की ओर इशारा किया। सूर्योदय के समय तक जंगल में केवल राजे, दादाजी, येसाजी और 50 मावले रह गए। जंगल में सूर्य की किरणें फैल रही थी। नए पत्तों से सजे हुए वृक्षों के विविध रंग जंगल में जहां तहां झलक रहे थे। येसाजी ने राजे को संकेत किया। राजे ने तलवार म्यान से खींचकर माथे से लगाई और वे गढ़ की ओर चल पड़े। एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखा जा रहा था। किले के दरवाजे के पहरे वाली चौकी में पहरेदार वहीं बैठे हुए थे। घास के गट्ठे भीतर जा रहे थे। इतने ही में एक और बोझे वाला आया। पहरेदार ने टोका, ये गट्ठा कहाँ का है? अब यही का है जी। कौन सा गांव? मवाल है जी। बोझे वाला भीतर गया। उसके पीछे पीछे पगड़ी बांधे हुए, शानदार कपड़े पहने हुए, कमर में तलवार रखे हुए और हाथ में भाला धारण किए हुए 3 लोग गढ़ के दरवाजे से घुसे। तीनों पहरेदार की ओर बिना देखे आगे जाने लगे कि पहरेदार ने आवाज लगाई, अरे ओ पाहुने, कौन हो, कहाँ के हो? कुछ गांव ठिकाना बताओगे या नहीं? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, यहीं शादी तय करने निकले हैं हम। वो तो ठीक है, पर किसकी शादी? इस गढ़ की शादी। हैं? क्या कहा? इस गढ़ की शादी? अरे यार, इस गढ़ का लड़का है सो उसकी शादी गढ़ की शादी हुई या नहीं? पहरेदार हंसने लगे, मगर एक चौकीदार के दिमाग में खटका पैदा हो गया था। जरूर कोई गड़बड़ घोटाला है। ये इतने सारे बोझे वाले रिश्ता तय करने निकले हुए हथियार बंद आदमी,
वो इसी उधेड़बुन में था कि इतने में एक बोझे वाला और आ पहुंचा। चौकीदार ने ड्योढ़ी पर से कूद लगाई, टपट कर बोला, अरे रुक जा, कहां निकला है ये बोझा लेकर? अरे अंदर जा रहा हूँ जी। सो तो दिख रहा है मुझे, पर किसके घर जा रहा है तू? जी हवेली में जा रहा हूँ। किलेदार की हवेली में? हाँ जी। कल हवलदार ने लाने का हुक्म दिया था, वही गट्ठा है क्या ये? हाँ जी। गट्ठा नीचे उतारो। गट्ठा नीचे रख दिया गया। पहरेदार चिल्लाया, गट्ठा नीचे उतारो। जोड़ी पर बैठे बाकी चौकीदार हंस रहे थे। एक बोला, रामू क्यों बेकार उसे सता रहा है, जाने दे। पर उसके कहे पर ध्यान न देते हुए राम जी ने फिर कहा, चल खोल गट्ठा। बोझे वाले ने ऊपर देखा, सूरज काफी ऊपर आ पहुंचा था। वो थोड़ा सा झुका और मुंह में उंगलियां फंसाकर उसने जोर से सीटी बजाई। सीटी की गूंज सुनते ही पीछे आ रहा बोझे वाला सावधान हो गया। भीमा ने गट्ठा नीचे फेंका और वो तलवार निकालकर दौड़ पड़ा। शिवाजी राजे ये सब नजारा एक बुर्ज के ऊपर खड़े देख रहे थे। गढ़ में चारों ओर शांति छा गई थी। राजे धीरे धीरे पग रखते हुए बुर्ज की सीढ़ियां उतरे। सबने उन्हें सिजदे किए। अभिमान और प्रशंसा के सबके मुख प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। भीमा की पीठ पर घाव हो गया था। राजे ने कहा, भीमा शरीर पर चोट खाए बिना क्या जी नहीं लगता? राजे करूं क्या, कंबख्तों ने पीठ पर वार कर दिया। पीठ दिखाकर भाग गया होगा। अरे छोड़ ये बात, वहाँ दरवाजे पर जाकर देख, दो मुर्दे पड़े हैं। किलेदार को राजे के सामने लाया गया। वो सिर से पैर तक कांप रहा था, फिर भी दिखावे की नकली हिम्मत बटोर कर कहने लगा, ठीक नहीं है ये, कह देता हूँ ज्यादा दिन ये चोचले नहीं चलने वाले। ये साजी किले में तोप है क्या? जी है, इसे तोप से उड़ा दो। किलेदार तुरंत राजे के पैरों में गिर पड़ा। हे राजे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जो तुम कहोगे वही नौकरी कर लूंगा मैं। दादाजी देख लिया, ये है आदिल शाह की ईमानदार सेवक, इस किलेदार को नजर बंद कर दो। ये साजी अगली सारी व्यवस्था होने तक तुम गढ़ में ही रहो। बालाजी चिमड़ाजी तुम दोनों इस गढ़ की धन दौलत अनाज सैनिक आदि का हिसाब तैयार करो, हम पुणे जाकर तुरंत वापस आते हैं। दुर्ग के पहले मुख्य द्वार पर पहुंचते ही शिवाजी राजे का ध्यान उस द्वार के ऊपर स्थित नक्कार खाने की ओर गया। उसके ऊपर हरे रंग का झंडा फहरा रहा था। उन्होंने पूछा, दादाजी अपना ध्वज लाए हो ना? जी हाँ। दादाजी भगवान की इच्छा से स्वराज्य का ये पहला पग बढ़ाया है, उसी भगवान के ध्वज का हम अब से प्रयोग किया करेंगे, ईश्वरीय राज्य का निर्माण करेंगे। शिवाजी मुख्य द्वार के नक्कार खाने पर चढ़े, आदिल शाही झंडा उतार दिया गया और नीले आकाश की पृष्ठभूमि पर भगवा ध्वज लहराने लगा। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल पाटिल और आप देख रहे स्वैपटून्स एनिमेशन। हमारे श्रीमंत योगी सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय श्री राम।